आगे बढ़ेंगे। राम जन्मभूमि मंदिर में आम लोगों के दर्शनों का आज दूसरा दिन है। आज लोग कतार के जरिए अंदर प्रवेश कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। लोगों का ये कहना है कि उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। संजय त्रिपाठी की रिपोर्ट आप देखिए। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को आज तीसरा दिन है। श्रद्धालुओं की संख्या लगातार मंदिर के सामने जमा हो रही है, लेकिन इंतजाम बेहतर हैं, इसलिए जो श्रद्धालु हैं वो एक लाइन से भीतर जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। तस्वीरें आप देख सकते हैं, पूरा क्रमबद्ध तरीके से सभी को भीतर ले जाया जा रहा है। कल जब हमने देखा था तो यहाँ भारी भीड़ जमा हो गई थी, कोई इंतजाम नहीं थे, लेकिन आज सारी व्यवस्था सुचारू नजर आ रही है, जिसका साफ तौर पर असर ये देखा जा सकता है कि श्रद्धालुओं को मंदिर के भीतर प्रवेश ही नहीं मिल रहा है, बल्कि उन्हें दर्शन भी बेहद सुलभ हैं और वो आराम से दर्शन करके अपने अपने गंतव्य की ओर जा रहे हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, पुलिस के अधिकारी लगातार इस रूट पर मूवमेंट कर रहे हैं और सारी व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। कुछ श्रद्धालु हमारे साथ मौजूद हैं, कहाँ से आए हैं? महाराष्ट्र यवतमाल जिला दारवा गाँव से आए हैं। दर्शन हो गए भगवान? हाँ हाँ, अभी बस एक मिनट, यानी 10 मिनट में दर्शन हो जा रहे हैं। आज इनका प्रशासन का जो यानी जो आज टाइमिंग चल रहा है वो सही चल रहा है। कल थोड़ी भगदड़ हुई थी पर आज वो सुधर गए हैं। और माननीय मंत्र प्रधान मोदी जी, इन्होंने जो कार्य किया है वो देश के लिए बहुत सुंदर और बहुत बढ़िया है। हमारी इच्छा है ऐसा ही मथुरा और काशी, ये दोनों में भी ऐसा ही बहुत बढ़िया और बेहतर मंदिर बने, यही हमारी मनोकामना है। जय श्री राम। बेहतर मंदिर बने, इंतजाम भी सब बेहतर हो, इसके लिए धन्यवाद दे रहे हैं, धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं यहाँ जो श्रद्धालु हैं। और लगातार जो कहता है श्रद्धालुओं का वो मंदिर। जय श्री राम, 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 जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। इस वर्ष आए हुए श्रद्धालु हैं, जय श्री राम का नारा लगाते हुए मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। ये कतार जय श्री राम, जय श्री राम, लाइन बहुत लंबी छे, जय श्री राम। भगत ने भी जय श्री राम, जय श्री राम। सूरत तीन, सूरत तीन, चलते रहिए, चलते रहिए, जय श्री राम। नई मुंबई, जय महाराज, जय श्री राम, जय श्री राम। राजस्थान, यूपी। तो अलग 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 जगहों से, अलग अलग प्रदेशों से आए हुए श्रद्धालु हैं, लगातार मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं। कतारें लंबी हैं लेकिन लाइन चल रही है, जिस वजह से किसी प्रकार की कोई समस्या आज उत्पन्न नहीं हो रही है। कल जब हमने देखा था तो ये जो रामपथ है यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु जमा हो गए थे, बैरिकेड यहाँ से किया गया था, अंदर नहीं जा पा रहे थे, इस वजह से भगदड़ भी हुई थी। लेकिन आज आप देख सकते हैं कि श्रद्धालु रामपथ से राम जन्मभूमि की ओर जा रहे हैं और उनको बहुत ही सुलभ तरीके से, कुछ लोगों ने यह भी दावा किया कि मात्र 10 मिनट के भीतर उनको दर्शन हो रहे हैं। इधर से लोग जा रहे हैं और जो सामान अपना रख के गए थे उन लोगों को यहां से वापस भी निकाला जा रहा है, तो इंतज़ाम बेहतर है, इसलिए जो रामलला के दर्शन की व्यवस्था है वो सुलभ हो गई है और श्रद्धालु लगातार मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ संजय त्रिपाठी, ABP न्यूज़, अयोध्या। तो देखिए, इस वक्त अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए लाखों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। दूसरा दिन है आज, दूसरे दिन अयोध्या में किस तरीके से दर्शन हो रहे हैं, मेरी सहयोगी मनोज लोहिवाल की रिपोर्ट देखिए। दर्शनार्थियों के लिए अब कतारबद्ध तरीके से एंट्री शुरू हो गई है। सुबह 7 बजे से मंदिर खुलने के बाद जितने भी लोग अंदर जाएंगे उन्हें एक ही कतार में अंदर जाना पड़ेगा। भीड़ को जगह जगह रोका जा रहा है जिससे लोग एक साथ कहीं भी इकट्ठा ना हो। दूर इतना रखा जा रहा है कि लोग एक दूसरे से ना भिड़ें। यहाँ तक कि रास्ते लखनऊ से आने वाले हों या फिर आसपास के ज़िलों से आने वाले, उन पर रोक लगा दी गई है। किसी भी तरह की गाड़ियों की आवाजाही पर रोक है जिससे अतिरिक्त भीड़ दर्शनार्थियों की ना आ सके। श्रद्धालु जितने भी आ रहे हैं उन्हें रोक रोक के अंदर जाने की अनुमति दी जा रही है। महिलाओं की कतार अलग रखी जा रही है, कुछ जगह जहां भीड़ जिस समय ज़्यादा हो रही है वहां पुरुषों की कतार अलग रखी जा रही है। अधिकतर लोग जो आ रहे हैं उनसे कहा गया है कि अपना मोबाइल जमा कर दें, कोई भी सामान अंदर लेकर ना जाएं और उसके साथ अपने जूते चप्पल या तो बाहर खोल कर आएँ और अगर अंदर जाते हैं तो उसी सुविधा का इस्तेमाल करें। कई ऐसे लोग हैं जो सामान रास्ते में रख दे रहे हैं और उसकी वजह से वापस आते समय उन्हें अपना सामान नहीं मिल रहा है, इसलिए प्रशासन की ओर से बार बार जानकारी दी जा रही है कि ऐसा ना करें। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात कि जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं जो बच्चों के साथ और सामान के साथ आ रहे हैं उन्हें अपना सामान कहीं रख देना होगा, या तो बाहर नहीं तो अंदर जाने के बाद भी दर्शन करने के बाद। अब उससे
महत्वपूर्ण बात यह कि क्योंकि तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से भी कम है और आज सारे दिन इसी तरह से कोहरा और ठंड रहने की संभावना है, नंगे पैर जाने में दिक्कत हो सकती है, इसलिए अपनी सारी बातों का ध्यान रख के अंदर जाएं। प्रशासन की विफलता कल सामने आई थी जब भारी भीड़ के मद्देनजर भगदड़ जैसी स्थिति हो गई थी और कई लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, क्योंकि जो भीड़ थी वो लगातार अंदर जाने की कोशिश कर रही थी, जितनी जल्दी हो सके दर्शन करने की कोशिश कर रही थी और उन्हें रोकने में असमर्थ दिख रहा था प्रशासन। हालांकि शाम तक स्थितियां बदली, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए और उसके बाद सारी एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स को बदलकर अब पूरी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जा रहा है। फिलहाल राम भक्तों को कम से कम आज से किसी भी तरह की दिक्कत का कोई सामना करना नहीं पड़ेगा। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज लोहिवाल, अयोध्या, एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।